आज पूरा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, जहां पूरे देश भर में आजादी के इस पर्व को लेकर उत्साह और जश्न का माहौल है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बीएसएफ जवान भी देश की रक्षा के साथ साथ आजादी का पर्व मना रहे हैं। आपको बता दें कि भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से इंडिया न्यूज संवाददाता सुरेंद्र मंडा की एक खास रिपोर्ट देखिए। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज पूरा देश 75वीं वर्षगांठ को लेकर जश्न मना रहा है। वहीं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर भी बीएसएफ अलर्ट है। इन जवानों की बदौलत ही आज देश 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसके साथ ही इन जवानों का हौसला भी देखिए कि किस तरह से आजादी का जश्न तो मना रहे हैं, लेकिन अब सीमा पर देश की रक्षा में भी तैनात है। लगातार बीएसएफ के जवान है जो सीमा पर तैनात रहकर पूरे देश की रक्षा में डटे हुए हैं। जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए बीएसएफ डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह भी पहुंचे हैं, बात करते हैं सर, पूरा देश जश्न मना रहा है, किस प्रकार से बीएसएफ जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए आप पहुंचे हैं? बिल्कुल, पूरा देश जश्न मना रहा है आजादी का अमृत महोत्सव का। और हम लोग जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो बॉर्डर पे ही है, हम लोग इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, और ये हमारा ऑप अलर्ट भी चल रहा है। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि ये जो सेलिब्रेशन है ये हमारे जवानों के साथ सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि हमारे जवान भी फैमिली से दूर या बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हैं। तो इसलिए आप देख रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी नेशनल फ्लैग्स फहरा रहे हैं जगह जगह पे, और एक दिवाली सा माहौल है पूरे देश के अंदर। और इसलिए हम लोग यहाँ इस बॉर्डर पर आए, खाजूवाला वाले बॉर्डर पर, और हम लोग लड़कों से बातचीत कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, और एक्सरसाइज भी हो रही है, डोमिनेशन भी हो रहा है, सेलिब्रेशन भी हो रहा है, सब साथ चल रहा है। सर, 15 अगस्त है आज, 15 अगस्त है जो पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, इसको लेकर अब बीएसएफ ने किस प्रकार के एक्स्ट्रा मोमेंट बढ़ाए है, किस प्रकार के एक्स्ट्रा जो गतिविधियां बॉर्डर पे की? बल्कि देखिए, बीएसएफ जो है वो हमेशा अलर्ट रहती है, और हमारा मेन जो टास्क है बॉर्डर को गार्ड करना, तरीके से गार्ड करना, वो हम लोग करते हैं। लेकिन जब ऐसे मौके आते हैं जब हमें ये लगता है, अंदेशा होता है कि भी हो सकता है कोई ऐसी हरकत हो जाए, जैसे अभी रिसेंटली जम्मू में भी एक फिदायीन अटैक हुआ था, तो ऐसी जब हरकतें होती हैं तो उसकी वजह से हम लोग एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाते हैं, और हमारे जवानों को मोटिवेट करते हैं और कुछ अलग से ऑपरेशंस करते हैं ताकि ऐसा कोई हमारे एरिया में इंसिडेंट ना हो। देखा कि ये थे डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ जो समय समय पर बॉर्डर पर जवानों के साथ पहुंचते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। आज इन बीएसएफ के जवानों की वजह से ही पूरा देश है जो अमृत महोत्सव के तहत 75वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा है। कैमरामैन शोगी के साथ सुरेंद्र मंडा, इंडिया न्यूज, भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर।